सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं, जैसे जो हमारा सबसे ज़्यादा फेमस कंपाउंड है बेंजीन, किस तरीके से सिग्नल देता है, कौन कौन से सिग्नल देता है, किस तरीके के कितने बैंड देता है और कैसे देता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और अगर ये क्वेश्चन आता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा बताओ एरोमेटिक कंपाउंड में, तो ये चीज़ें लिख करके आनी है आपको और इतना लिखना सफिशियंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। According to Huckel, the cyclic and planar system which contain 4n plus 2 pi electrons are aromatic. हम जानते हैं aromatic compounds वो होते हैं जो कि Huckel rule को follow करते हैं। और Huckel rule क्या कहता है कि जो हमारे delocalized electron हैं हमारे ring के अंदर, वो total electron 2 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं, यानी कि इस तरीके से होने चाहिए। यानी कि हमारे पास ये जो 4n plus 2 system है इसको फॉलो करने चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो 4 मल्टीप्लाई 1 कितने हो गए, 4 प्लस 2 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास n की वैल्यू 0 है, सोच के देखो n की वैल्यू 4 इंटू 0 प्लस 2, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा 2, ठीक है। अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो कितना आएगा, 6। n की वैल्यू अगर हमारे पास 2 है तो 2 8 8 2 10 10 आएगा, फिर कितना आएगा, 14। कुछ इस तरीके से अगर हमारे पास डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन जो कि डीलोकलाइज हो रहे हैं वो अगर इस तरीके से आते हैं तो हमारा सिस्टम क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अदरवाइज हमारा जो सिस्टम है वो हमारा एंटी एरोमेटिक होता है। जैसे अगर हमारे पास ये 4 इलेक्ट्रॉन है, मान लो जैसे कि इस डब्बे में हमारे पास कितने हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है। और हमारा जो बेंजीन है उस बेंजीन में अगर बात करें तो 1 2 3 पाई बॉन्ड है, टोटल कितने, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमारे इस रूल को फॉलो कर रहा है। और ये रूल क्या है, हकल रूल है, ठीक है। जो भी हकल रूल की पालना करता है, हकल रूल को फॉलो करता है, वो सारे के सारे कंपाउंड हमारे एरोमेटिक होते हैं, ठीक है, इन नेचर, नेचर में एरोमेटिक होते हैं। एंड बेंजीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि काफी फेमस है, एरोमेटिक है, ठीक है, तो उसी के बारे में सारी बातें हम करने वाले हैं। उस पर हम सब्स्टिट्यूएंट भी जोड़ेंगे जिससे क्या इफेक्ट होता है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट, इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ बेंजीन 3 बैंड्स आर ऑब्टेन, यानी कि जब हमने स्पेक्ट्रा लिया, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा लिया बेंजीन का, तो हमें 3 बैंड देखने को मिलते हैं। वो 3 बैंड कौन से हैं वो देखते हैं। एट एक बैंड हमें मिलता है 184 नैनोमीटर पर, दूसरा मिलता है 202 पर, और तीसरा मिलता है 253 नैनोमीटर पर। दस बैंड्स आर नोन एज E1, E2 एंड B बैंड। इन बैंड्स को हम E1 बैंड, E2 बैंड एंड B बैंड बोलते हैं। द बी एंड ई बैंड इज कैरेक्टराइज प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक एंड हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि जो हमारा बी बैंड और ई बैंड होता है ना, ये हमारे जो हमारा सिस्टम होता है उसके लिए कैरेक्टराइज प्रॉपर्टीज को बताता है, उसके कैरेक्टर को डिफाइन करता है कि इसमें हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कंपाउंड है वो क्या हो सकता है, इसको डिफाइन करता है हमारा बी और ई बैंड। ये जो बैंड आ रहे हैं 3 बैंड, ये डिफाइन कर देते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो ये हो सकता है, ठीक है, इन एरोमेटिक या फिर एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। इन बेंजीन E1 एंड E2 बैंड इज अराइजेस नियर 182-200 नैनोमीटर, यानी कि हमारा जो E1 और E2 बैंड आता है ना, ये दो बैंड हमारे 180 और 200 के बीच में हमारा इसका सिग्नल आता है। एंड एप्साइलन मैक्स इज 2000-14000 एंड नोन एज प्राइमरी बैंड, यानी कि जो हमारा E1 और E2 बैंड आ रहा है ना, ये हमारा 180 से लेकर के 2000 नैनोमीटर के अंदर इसका सिग्नल आता है, ये बैंड देखने को मिलते हैं। और इसके लिए एप्सिलॉन मैक्सिमा, यानी कि एप्सिलॉन मैक्सिमा का मतलब होता है कि जो ये बैंड आ रहा है वो बैंड क्यों आ रहा है, देखो एब्जॉर्प्शन की वजह से आ रहा है। एब्जॉर्प्शन अगर ज़्यादा होगा तो हमारे एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन मैक्सिमम की, वो ज़्यादा होगी।
तो एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो हमारा बैंड आया है ये अलाउड ट्रांजिशन से आया है या फिर फॉरबिडन ट्रांजिशन की वजह से आया है। मान लो हमारा कोई भी, मान लो हमारा बी बैंड आ रहा है, ठीक है, ये बी बैंड की अगर इंटेंसिटी कम है तो हम बता देंगे कि इसके लिए एप्सिलॉन की जो वैल्यू है, एप्सिलॉन मैक्सिमा की वैल्यू है, ये कम होगी, यानी कि एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, यानी कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ये फॉरबिडन ट्रांजिशन हो रहा है। देखो हमारा जब भी कोई भी स्पेक्ट्रा आता है ना उसमें इस तरीके से आता है स्पेक्ट्रा, कभी भी देखना इस तरीके से होता है, इसमें कुछ इस तरीके की पीक देखने को मिलती है और इस तरीके की छोटी छोटी पीक देखने को मिलते हैं। ये जो हमारे सिग्नल्स होते हैं ना ये फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं, और फॉरबिडन ट्रांजिशंस वो ट्रांजिशंस होते हैं जो कि हमारे पास बहुत कम होते हैं और उनके लिए बहुत कम इंटेंसिटी होती है सिग्नल्स की, यानी कि वो एब्जॉर्ब, यानी कि वो जो भी जिस भी वजह से आ रहा है, जो भी कंपाउंड, जो भी मॉलिक्यूल, जो भी एटम उसे ऑब्जर्व कर रहा है उस रेडिएशन को, वो बहुत कम मात्रा में कर रहा है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू कम आएगी, यानी कि इंटेंसिटी कम आएगी। तो वहां से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो ट्रांजिशंस होंगे ये हमारे फॉरबिडन ट्रांजिशंस होते हैं। यहां पर हमारे पास A1, A2 और B बैंड जो आ रहा है इसमें से भी ये भी हमारे पास फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है, इसमें से एक जो E1 बैंड होता है ना ये हमारा अलाउड ट्रांजिशन की वजह से आता है, और इसका जो स्पेक्ट्रा आता है बेंजीन का वो भी मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आता है, उससे हम आराम से समझ सकते हैं कि फॉरबिडन ट्रांजिशंस और अलाउड ट्रांजिशंस कौन सा होगा। ठीक है, तो हमारे पास तीन बैंड आते हैं, एक 180 पर, एक 2000 पर, और तीसरा जो आता है वो हमारा 253 नैनोमीटर पर आता है। ठीक है, और जो हमारा E1 और E2 जो बैंड आता है वो उसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये जो E1 है इस E1 के लिए हमारे पास एप्सिलॉन मैक्सिमा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये अलाउड ट्रांजिशन होता है, और अलाउड ट्रांजिशन होता है तो इसकी जो पीक होगी वो इंटेंस पीक होगी, यानी कि ये काफ़ी शार्प हमें दिखाई देने वाला है। और E2 जो बैंड होगा ये E2 बैंड की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, और बहुत कम क्यों होती है, क्योंकि ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं। ठीक है, तो E1 ट्रांजिशन हमारा अलाउट होगा, और जिसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा होती है, और इसके लिए इस E2 के लिए हमारे एप्सिलॉन की वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, E1 बैंड इज ऑब्टेन ड्यू टू इथाइलिनिक टाइप क्रोमोपोर, यानी कि देखो हमारे पास बेंजीन होता है, उस बेंजीन में देखो यहां पर ये बेंजीन है, इस बेंजीन की अगर बात करूं तो यहां पर देखो ये जो ग्रुप है, ये जो चीज है, इसमें क्या है, CH डबल बॉन्ड CH है, तो ये जो स्पीसीज है ये केवल ये छोटा सा जो पार्ट है इसमें जो ट्रांजिशन होगा उसकी वजह से हमारे पास E1 बैंड आने वाला है। ठीक है, इथाइलिनिक टाइप क्रोमोफोर। एंड E2 बैंड इज ड्यू टू कॉन्जुगेशन इन 1,3-ब्यूटाडाइन, जो E2 बैंड आता है वो हमारे पास इस तरीके से आता है, ये बेंजीन है हमारे पास, इस बेंजीन में अगर बात करें तो ये कौन सा सिस्टम है इसे कंसिडर करना है, ये क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम की वजह से हमारा E2 बैंड आता है, और बी बैंड जो आता है वो बी बैंड हमारे पास हाईली कॉन्जुगेशन की वजह से आता है, जो हाई कॉन्जुगेशन हो रहा है ना, रैपिडली कॉन्जुगेशन हो रहा है उसकी वजह से हमारे पास बी बैंड आता है। ये जो बी बैंड है, ये बी बैंड की हमारे पास इंटेंसिटी तो बहुत कम होती है, लेकिन ये छोटी 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 छोटे हमारे पास बहुत सारे देखने को मिलते हैं इसके स्पेक्ट्रा में, ड्यू टू हाई कॉन्जुगेशन एट 252-255 नैनोमीटर, विच इज नोन एज सेकेंडरी बैंड। देखो हमारे पास जो बी बैंड आता है इसे हम सेकेंडरी बैंड बोलते हैं, E1 और E2 जो बैंड आता है इसे हम प्राइमरी बैंड बोलते हैं। ठीक है, एंड इट इज सिमेट्रिकली फॉरबिडन ट्रांजिशन, ये जो हमारे पास ये बी बैंड आता है ये सिमेट्रिकली फॉरबिडन होता है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर सिमेट्री मैच नहीं कर पाती है, सिमेट्रिकली अलाउड ट्रांजिशन नहीं होता है, तो इसीलिए इसकी इंटेंसिटी कम आती है। ठीक है, एंड E1 एंड E2 बैंड इज सिमेट्रिकली अलाउड ट्रांजिशन, यानी कि हमारा जो बी बैंड आता है वो सिमेट्रिकली फॉरबिडन होता है, और जो हमारा E1 और E2 होता है वो हमारा सिमेट्रिकली अलाउड ट्रांजिशन होता है। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ ग्रुप थ्योरी, इसको हम ग्रुप थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम इसको MO डायग्राम से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो हम MO डायग्राम हम जब भी बनाते हैं उसमें किस तरीके से बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, देखो यहाँ पर हमारे पास बेंजीन की अगर बात करें तो ये क्या है Psi3, ये क्या है Psi2, यानी कि ये हमारे पास होमो है, ये Psi1 है। ठीक है, ये तो नीचे वाला ग्राउंड स्टेट है, ये हमारे पास होमो है, होमो। ठीक है, ये हमारे पास Psi4 और ये हमारे पास Psi5, ये हमारे पास Psi6। ठीक है, इस तरीके से होता है इसका MO डायग्राम बेंजीन का। तो यहाँ पर अगर हम फिल करें इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके से होंगे,
ये जो हमारे पास साई टू और साई थ्री आपको देखने को मिल रहा है, इसकी जो एनर्जी है वो लगभग यहाँ पर एमओ डायग्राम में क्या पता चल रहा है, इनकी एनर्जी क्या है, सेम है, लेकिन एग्जैक्टली इनकी एनर्जी सेम नहीं होती है, इनमें एनर्जी गैप होता है। तो देखो अगर हम इस एमओ डायग्राम से बात करें तो इस तरीके से ट्रांजिशन होगा, इस तरीके से होगा, या फिर ऐसे भी तो हो सकता है ना, यानी कि हमारे पास एक ये ट्रांजिशन, एक ये ट्रांजिशन, एक ये, तो टोटल चार टाइप के हमारे पास यहाँ पर ट्रांजिशन शो हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू एमओ डायग्राम, लेकिन हमें चार बैंड तो मिलते ही नहीं है। अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर जो एनर्जी गैप है साई टू और साई थ्री का वो बराबर है, यहाँ पर साई फोर और साई फाइव जो कि हमारे पास एंटी बॉन्डिंग है इनका भी हमारे पास एनर्जी गैप सेम है। तो यहाँ पर साई टू से साई थ्री साई फोर में जाने पर जितनी एनर्जी गैप चाहिए होती है, जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है, उतनी ही एनर्जी साई थ्री से साई फाइव में जाने पर चाहिए होती है, यानी कि इतनी ही एनर्जी हमें चाहिए, इतनी एनर्जी हमें चाहिए ये ट्रांजिशन कराने के लिए, और सेम एनर्जी चाहिए हमें ये ट्रांजिशन कराने के लिए, तो हमें केवल एक ही सिग्नल देखने को मिलता है, लेकिन हमारे पास तो तीन तीन बैंड आते हैं मेंजिन के। इसको हमारा एमओ डायग्राम एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, क्योंकि एमओ डायग्राम बताता है इनकी एनर्जी सेम होती है, लेकिन ग्रुप थ्योरी हमें यह बताती है कि इसकी एनर्जी सेम नहीं होती है, इसकी एनर्जी में डिफरेंस होता है, इसमें जो साई थ्री है इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए साई थ्री हमारे पास होमो होता है, ना कि साई टू और साई थ्री हमारे पास होमो होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, तो ये ग्राउंड स्टेट से हमारे पास तीन टाइप के ट्रांजिशन हो सकते हैं। ठीक है, तो इनमें जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो देखो यहां पर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारे पास इसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ये ट्रांजिशन कराने के लिए, और ये जो ट्रांजिशन होता है ना, ये ट्रांजिशन जो कि हमारे पास ई वन, देखो ये होता है ई वन, ये होता है हमारे पास ई टू, और ये होता है हमारे पास बी बैंड, यानी कि ये जो होंगे ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगे, और ये जो हमारे पास ट्रांजिशन होगा ये अलाउड ट्रांजिशन होगा। अगर इसके स्पेक्ट्रा की बात करें तो हमें कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है, देखो यहाँ पर इस तरीके का हमारे पास होता है, ये एक इंटेंस पीक, ठीक है, यहाँ पर ये छोटी सी पीक, और ये यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये जो इंटेंस पीक देखने को मिल रही है ये हमारे पास ई वन बैंड की वजह से देखने को मिल रही है, यानी कि ये जो आएगा इसके लिए लेमडा की वैल्यू हमारे पास होगी 184 नैनोमीटर, यानी कि ये जो है ये ई वन बैंड है, और ये जो बैंड है ना ये हमारे पास ई टू बैंड है, और ये छोटे छोटे हमारे पास बी बैंड है। देखो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बैंड है ये किस वजह से आ रहे हैं, ये हमारे पास हाई कॉन्जुगेशन, हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम की वजह से आ रहे हैं छोटे छोटे बैंड है। और ये ई टू किसकी वजह से आ रहा है, ये 1,3-butadiene सिस्टम की वजह से आ रहा है, और ये इथाइलिनिक सिस्टम की वजह से आ रहा है, इथाइलिनिक सिस्टम की वजह से आ रहा है। तो इंटेंस पीक जब भी हमें देखने को मिलती है तो वो अलाउड ट्रांजिशन की वजह से होती है, और यहाँ पर ये हो रहे हैं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो कि अलाउड होते हैं। ठीक है, इस डायग्राम से हम अच्छे से समझ सकते हैं, ये जो ट्रांजिशन होगा बी बैंड जो हमें देखने को मिलता है इसे हम सेकेंडरी बैंड बोलते हैं, और ये जो ई वन और ई टू होंगे उसे हम प्राइमरी बैंड बोलते हैं, जिसमें ई वन जो होता है वो 184 नैनोमीटर पर, ई टू जो होता है वो 202 नैनोमीटर पर, और हमारे पास बी बैंड 253 नैनोमीटर पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारे पास स्टेट्स है, जिसमें ए वन जी जो है ए वन जी हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, बी टू यू, बी वन यू और ई वन यू जो है ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट्स है। देखो ये यू का मतलब होता है अनजीरेड और जी का मतलब हो रहा है जीरेड, जीरेड अनजीरेड आपको ग्रुप थ्योरी में समझाया जाता है, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी ऑर्बिटल है अगर उसमें पीओएस प्रेजेंट है तो वो जीरेड होगा, अदरवाइज अनजीरेड होगा। ठीक है, वो वहां पर समझाया जाता है, अगर आपको ये डिटेल से समझना है तो आपको ग्रुप थ्योरी आनी चाहिए, उसी से आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अगली चीज कहां पर थे हम, ग्रुप थ्योरी से समझ सकते हैं। अगली चीज, सबस्टिट्यूएंट विच इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग अफेक्ट द लैम्डा मैक्स वैल्यू, यानी कि सबस्टिट्यूएंट जो कि हमारे बेंजीन रिंग से जुड़ते हैं वो सबस्टिट्यूएंट हमारे लैम्डा की वैल्यू पर इफेक्ट डालते हैं, वो किस तरीके से डालते हैं वो देखते हैं। बोथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड टू बेंजीन रिंग देन इट डिक्रीज द एनर्जी गैप, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये दोनों अगर हमारे बेंजीन रिंग से जुड़े हुए होंगे तो हमारा डीलोकलाइजेशन हो रहा है उसकी एनर्जी गैप घटा देंगे, और एनर्जी गैप घटा देंगे तो उससे क्या होगा, वो जो सिग्नल है वो हमें रेड शिफ्ट होता दिखाई देगा, यानी कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट हमें देखने को मिलता है, एनर्जी गैप घट जाता है। क्योंकि यार देखो अगर हमारे पास ऐसा कोई भी ग्रुप आता है जो कि कॉन्जुगेशन को बढ़ाता है तो हमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट
देखने को मिलता है, ठीक है। डिक्रीज द एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड लूमो, ठीक है, रिजल्टिंग वी ऑब्जर्व बैथोक्रोमिक शिफ्ट, जिससे हमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है, क्योंकि एनर्जी गैप होमो एंड लूमो के बीच का जो एनर्जी गैप है वो घट जाता है टू हाई रेजोनेंस की वजह से। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग एग्जांपल, इसे हम एग्जांपल्स के थ्रू समझा सकते हैं। देखो यहां पर बेंजीन है, इस बेंजीन से मैंने NH2 जोड़ दिया है, यानी कि एनिलीन बना दिया है। अब देखो यहां पर जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर आराम से यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। ये बॉन्ड जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन होगा, ये नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा और हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है, ये लास्ट में देखने को मिलता है, ये डीलोकलाइजेशन होने के बाद ये देखने को मिलता है। पहले तो यहाँ पर जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये आ गया, अब ये यहाँ पर और फिर यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। तो NH2 के आ जाने से हमारे पास कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो गया, कॉन्जुगेशन बढ़ गया है। अब कॉन्जुगेशन अगर बढ़ेगा तो एनर्जी गैप घटेगा होमो एंड लूमो के बीच में, ठीक है, जिससे हमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है। अगली चीज अगर हम बात करें, देखो ये जो NH2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और यहाँ पर NO2 जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो देखो NO2 के आ जाने के बाद भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के आ जाने के बाद भी हमारे पास कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रहा है। वो किस तरीके से हो रहा है वो देखो, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर जाएंगे, ये यहाँ पर जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि नाइट्रोजन ने चार बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखो अब ये क्या होगा, ये इस तरीके से बॉन्ड माइग्रेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने के बाद यहाँ पर इस तरीके से होगा, ठीक है, यहाँ पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो बॉन्ड बन चुका है, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बन चुका है, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव किस तरीके से जाएगा, देखो ये जो है ये बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, ठीक है, इस तरीके से चलता रहता है और यहाँ पर NO2 आ जाता है। यानी कि NO2 के आ जाने के बाद जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और NH2 के आ जाने के बाद जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, दोनों के दोनों हमारे पास जो एनर्जी गैप है होमो एंड लूमो के बीच का उसको कम कर देते हैं, जिससे हमारे पास बैथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलती है, ठीक है। अगली चीज है, द पोजीशन ऑफ सिग्नल इज आल्सो अफेक्टेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर हम स्टेरिक हिंड्रेंस ले आते हैं तो क्या होगा, देखो यार स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो हमारा कॉन्जुगेशन है वो भी कम होगा। जैसे कि अगर हमारे पास एनिलीन थी, इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू 251 नैनोमीटर होती है, लेकिन अगर मैं CH3 इसकी ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ दूंगा, तो देखो ऑर्थो पोजीशन पर अगर CH3 लेके आऊंगा तो नाइट्रोजन जो है के लोन पेयर देने की जो टेंडेंसी है वो घट जाएगी। अब ये लोन पेयर इजीली नहीं देगा ड्यू टू हायर हिंड्रेंस है, इससे क्या होगा इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू हमारे पास 258 नैनोमीटर पर देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बात करें, पोजीशन ऑफ सिग्नल इज आल्सो अफेक्टेड बाय मीडियम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारे पोजीशन ऑफ सिग्नल होता है लैम्डा की वैल्यू जो होती है ये हमारे सॉल्यूशन के मीडियम पर भी डिपेंड करती है। वो किस तरीके से करती है वो देखते हैं, बिकॉज लैम्डा मैक्स वैल्यू फॉर पैरानाइट्रोफिनोल, अगर हम पैरा नाइट्रोफिनोल की बात करें तो हमारे पास इसके लिए बेसिक मीडियम में लैम्डा मैक्स की वैल्यू हायर होती है कंपेयर टू एक्वस मीडियम। अगर हम इसका कंपैरिजन हम एक्वस मीडियम में करें, यानी कि हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनोल एक तो हमारे पास बेसिक मीडियम में है, एक हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनोल एक्वस मीडियम में है, तो पैरा नाइट्रोफिनोल जो कि बेसिक मीडियम में है उसके लिए लैम्डा की वैल्यू हायर होती है एज कंपेयर टू एक्वस मीडियम वाले पैरा नाइट्रोफिनोल के। क्यों होता है ऐसा, देखो यहां पर ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन क्या करेगा, देखो यहां पर ऑक्सीजन जो है ना ये ऑक्सीजन हमारे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, इस तरीके से डीलोकलाइजेशन होगा। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं ये हमारे पास इस H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे, जिससे इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को स्टेबिलिटी मिल जाएगी, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिससे रेजोनेंस घटेगा। अब रेजोनेंस घटेगा तो एनर्जी गैप बढ़ेगा और एनर्जी गैप बढ़ेगा तो ट्रांजिशन कराने के लिए हमें थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे हमें हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है, ठीक है, अगर हम एक्वस मीडियम यूज कर लेते हैं एज कंपेयर टू बेसिक मीडियम के। तो ये होता है पैरानाइट्रोफिनोल में। अगर बात करें ऑन द अदर हैंड, पैरा एमिनोफिनोल गिव्स हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इन एसिडिक मीडियम, यानी कि अगर हम बात करें पैरानाइट्रो
यानी कि अगर हम बात करें पैरा एमिनो फिनोल की, तो ये हमारे पास हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इसमें भी देखने को मिलता है। किस वजह से? इसमें मीडियम चेंज करने की वजह से। यानी कि अगर हमारे पास पैरा एमिनो फिनोल अगर हमारे पास एसिडिक मीडियम में है, तो उसका सिग्नल हमें लोअर वेवलेंथ पर देखने को मिलता है। क्यों होता है ऐसा, वो देखते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अगर हम एसिडिक मीडियम लेके आएंगे, यानी कि एच प्लस की कंसेंट्रेशन लेकर के आएंगे, तो एच प्लस जाकर के कहाँ पर जुड़ेगा? इस नाइट्रोजन के लोन पेयर से, यानी कि NH3 पॉजिटिव बना लेगा। जिससे क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास अब लोन पेयर बचा ही नहीं है जो कि कॉन्जुगेशन में जा सके। जिससे क्या होगा, कॉन्जुगेशन घटेगा, और कॉन्जुगेशन घटेगा तो एनर्जी गैप बढ़ेगा, और एनर्जी गैप बढ़ेगा तो हमें जो सिग्नल है वो ब्लू की तरफ शिफ्ट होता दिखाई देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।